कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह
है हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्ण कया, ये हमारा श्रम है। लेकिन जिसको नक्स एक पल भी आप सुनिए, जब भी आप मुझे सिर्फ आंतर तक याद कर रहे उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ रही ना, एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे, सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। और हर कदम हर जगह आपके साथ हम करेंगे, हर जगह कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्ण कया, ये हमारा श्रम है। लेकिन जिसको नक्स एक पल भी आप सुनिए, जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे, सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। Let us be in the joy of these great divine blessings of Holy Mother. Explained the importance of her divine photograph and her most holy and most powerful name in this next clip. जहां से मिले हैं और जितने कार्य किया है
उसके प्रति पूर्णतया जब तक आप समर्पित नहीं हो तब तक आपके वाइब्रेशन का फ्लो हो ही नहीं सकता। शरणागति के बगैर होता नहीं होता। आदमी इतना अहंकारी है, उसको हमने वाइब्रेशन दे दिए, उसको हमने ठीक कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको सब समझा भी दिया, तो अभी उसके शरणागति नहीं आए। पर अभी अगर किसी को आंदे का अंगूठी निकाल के देगा तो हो गए उसके पैर, सब भेद बात के उसके चरणों में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके उससे कविताएं लिखेंगे, उससे किताबें लिखेंगे, उससे ये लिखेंगे, उससे वो लिखेंगे, क्योंकि ठीक आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, आपको कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहना पड़ेगा ये कहाँ से आया, ये परमात्मा का विधान है। हमारे फोटो के सिवा अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमारे फोटो के बगैर काम हो जाएगा तो नहीं, के बाद बिल्कुल सही कि माता जी के नाम और फोटो के बगैर काम है, संस्कार से ही स्थान है, इसलिए संस्कार के मंत्र में हमारा नाम होना अत्यावश्यक है। एक हम अभी गए थे किसी के पास में, वो रियलाइज है खुद, लेकिन अहंकार तो अभियुग में है, और उस अहंकार में उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया तो उसमें उन्होंने कान माता जी निर्मला देवी ने कहे, सबके संस्कार बंद हो। बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी एक वहाँ हमारी शिष्या उनसे कि भाई क्या बात है, इसमें तो मंत्र पे चलता नहीं, संस्कार सुनते नहीं, क्या बात हो। उसने कहा अच्छा कहिए आप, जब कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने नाइस वेरी नाइस थी वो नाम निकाल डाला। वो कहा कि भैया माता जी के बगैर ये चलने नहीं वाला, संस्कार पिला भी आपको। जैसे ही उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया तीन नाम के अंदर उन्हीं के खुद के वाइब्रेशन शुरू किया। हालांकि मैं रियलाइज कब के हुए सही बात, आज आपके सामने मैं मुंह खोल के बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करूँ। तो आपके लिए आज मैं फिर से खुले रूप से कह सकती हूँ, इसमें आपको कोई अहंकार छुपाने की बात नहीं, आपकी माँ मैं नहीं हूँ ये जान लें, अपनी माँ को स्वीकार करने में जो आदमी झिझकता है और उससे आँख चुराता है उस आदमी ने धर्म नहीं ये समझ, आपने वाइब्रेशन खुद से ही पाए हैं और मैं ही आपकी माँ हूँ, इस बात को आपको स्वीकार करना ही होगा। इसमें आपको कुछ नहीं आता, आप बगैर माँ के पैदा नहीं हुए। जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं बगैर माँ के पैदा हुआ है उससे बढ़ के मामूल कोई नहीं। आपने वाइब्रेशन हवा में नहीं पाए, जब पानी के होते तो हमारा आना ही व्यर्थ होगा, इसलिए आपने माँ को स्वीकार किया। माँ का किनारा बहुत बड़ा, ईसा मसीह जो कि इतना बड़ा आदमी था उसे सलीब पर भी चढ़ते अपने माँ से कहा कि माँ तेरा बेटा कहाँ है और तू कहाँ है। वहां पर भी उस तरीक पर जबकि उसके बदन से लहू बह रहा था तब भी उसने अपनी माँ को याद किया। जो अपनी माँ को भूल सकते हैं तो दुनिया में हर चीज को भूल सारे संसार का कोई सा भी धर्म, राष्ट्र धर्म लो, समाज धर्म लो, कोई सा भी धर्म ऐसे आदमी के अंदर नहीं आ सकता है जो अपनी माँ को भूल। इसलिए जो आपने वाइब्रेशन पाए हैं और जो लोग पाने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि माँ का इससे पूरा ही संबंध है, अधिकार हालांकि उसमें आप देख भी नहीं सकते, आपका अधिकार ही आपका लेने का ही अधिकार, मेरा तो देने का, मुझे आपसे लेना कुछ नहीं, लेकिन अगर आपके वाइब्रेशन कल हो गए तो फिर से मैं मुंह खोल कर आपसे नहीं कहता, इस बात को आप समझ। Let us symbolically let us experience this divine flow even more strongly. We will just open the left hand humbly and maybe slightly raise it and pray. Shemadari, please let us bless with your Mahakali powers continuously flowing from your divine photograph. Let us experience this power deeply within us.
माता जी की ओर खोलते ही हम पाते हैं कि हमारा ध्यान और गहरा होता है और सुंदर वाइब्रेशंस का योग हम श्री माता जी से महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अब हम श्री महासरस्वती की शक्ति श्री माता जी से जो बहती है उसको राइट हैंड हम नम्रता से खोल के उसके लिए प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी वेरिली यू आर साक्षात श्री महासरस्वती, प्लीज लेट अस एक्सपीरियंस दिस विदिन आवर सेल्फ। State of meditation with listening to an instrumental music.
Thank you.
और इस स्थिति को और सुंदर बनाने के लिए आइए हम श्री माता जी से क्षमा की शक्ति मांगते हैं। श्री माता जी, आप क्षमा के सागर हैं, कृपा करके हम सभी के अंदर अपनी क्षमाओं की शक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। मदर, प्लीज ब्लेस अस विद योर डिवाइन पावर ऑफ फॉरगिवनेस। Just to complete the prayer without any guilt, we can pray, Mother, if we might have done any mistake against the Divine, please forgive us. Just listen to one small clip on thoughtless awareness and we will continue to pray for thoughtless awareness to Shri Mataji ji.
के बगैर नहीं चल सकता। उसके डिसिप्लिन में अपने को खोल दो, उसकी हार्मनी में चले जाओ, उसके साथ हार्मोनाइज कर लीजिए पूरी तरह से। जब वो उड़ता है तो उड़ गए, जब वो गिरता है तो गिर गए। जब हम अपना कुछ लेकर के बैठ जाते हैं तो उससे अछूते रह जाते हैं। अपने को उसी के साथ मोल करते हो, सिर्फ सहयोग से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, और कोई संसारिक लौकिक चीजों से नहीं हो सकता है उसका काम। उसका एक ही तरीका हजार बार बताया, फिर से बता रही हूं, फिर बता रही हूं कि आपका जो किला है, आपका जो फोर्ट्रेस है, वो है निर्विचारिता। निर्विचारिता में जानो, वही जान जाओ, कोई भी काम करना हो निर्विचारिता में जाओ। सारा संसारी काम निर्विचारिता में करते ही साथ में आप जानिएगा कि कहां से कहां डायनेमिक हो गया मामला। फूलों को खिलते हुए किसने देखा है, फलों को लगते हुए किसने देखा है, संसार का सारा जीवन कार्य होते हुए किसने देखा है, हो रहा है, उसी डायनामिज्म में, उसी लिविंग चीज में आपको मूवमेंट कर रहे हैं। वो निर्विचारिता से आ रहा है ना, उस स्थान पे आप बैठे जहां से सारा संसार खुलता है। निर्विचारिता में ही उसकी आदत लगाइए, हर समय निर्विचार रहने का प्रयत्न करें। सारा कार्य संसार का उसी से होता है और आपका भी होगा, फालतू साथ सब चीज हो जाती, लेकिन अंदर का चलना आपको ही करने का है। कोई उम्र उम्र का तकाजा नहीं है कि हम बुढ़े हो गए, कोई मुद्दा नहीं है। अभी अभी तो पैदा हुए, कितने साल हुए, 2-4 साल हुए होंगे और क्या, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जान उम्र का तकाजा नहीं। निर्विचारिता में रहना, यही आपका स्थान है, यही आपका धन है, यही आपका बल है, शक्ति है, यही आपका स्वरूप है। यही आपका सौंदर्य है, यही आपका जीवन है। निर्विचार होते ही बाकी का जो बाहर का यंत्र है वो पूरा की पूरा आपके हाथ में घूमने लग जाता है। निर्विचारिता में रहिए, वहां पर ना समय है ना दिशा है, ना कोई छू सकता है, सिर्फ जीवंतता का दर्शन होता है कि जीवन कैसे जीता, उसके सौंदर्य का दर्शन होता है, उसके सामर्थ्य का दर्शन होता है, उसके ऐश्वर्य का दर्शन होता है और उसके सत्य का दर्शन होता है। उस जगह से देखिए जहां से जीवन की धारा बहती है। इस सुंदर कनेक्शन के बाद वी विल रिसीव द ब्लेसिंग्स एंड सी हाउ इट हैज द ब्यूटीफुल इफेक्ट ऑन द चक्रास। सो वी ओपन द लेफ्ट हैंड ओनली एंड कीप द राइट हैंड ऑन अवर नाभि एंड प्रे टू शरणागति जी। ओ डिवाइन मदर, प्लीज लेट अस ऑल फील a beautiful peace within us which flows from you. Let it be received completely and reflected within us so that we enjoy this great divine blessing of tremendous peace within us.
we can open both the hands and see how this has further changed us and given the beautiful state inside. अब हम अपना राइट हैंड सेंटर हाथ पर रख के प्रार्थना करते हैं। शमाता जी, आप ही साक्षात श्री दुर्गा माँ, श्री जगदम्बा, कृपा करके हमारे हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में विराजे। मदर, प्लीज लेट मी वर्शिप योर डिवाइन लोटस फीट इन माय हार्ट एंड योर श्री जगदम्बा स्वरूप इन माय हार्ट। Mother, you are the giver of security and fearlessness and confidence. By your grace, I am completely secure.
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, नाउ वी विल जस्ट कीप थैंकिंग मदर फॉर ऑल हर डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऑल हर लव विच वी हैव ऑलवेज रिसीव्ड फ्रॉम हर, एंड बी इन अ gratitude towards Adi Shakti, and just listen to the instrumental music and be in meditation. आइए हम सब मिलकर हृदय में माँ को नमन करते जाएं, उनको धन्यवाद करते जाएं जो इतनी अपार कृपा हमेशा उन्होंने हमारे ऊपर की है, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हुए ध्यान में जाते जाएंगे।
O Supreme Goddess, Adi Shakti, Shri Mataji, we have no words to thank you
express our deepest gratitude, my pranams, at your holy lotus feet. We'll take collective bandhan. Jai Shri Mataji. आज की पूजा 9:30 बजे होगी, प्लीज सब हॉल में आ जाना।